कुशल किशोर द्वारा किया गया काकोरी मंडल में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। काकोरी लखनऊ में चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और अब प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। जगह जगह चुनाव कार्यालय खोले जा रहे हैं और इसी क्रम में आज मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के द्वारा काकोरी मंडल के दुर्गागंज में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मंडल उपाध्यक्ष नीलम श्रीवास्तव ने पुष्प गुच्छ व तिलक लगाकर सांसद जी का स्वागत किया। इसके उपरांत कौशल किशोर ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा है कि पूरे देश में भाजपा को छोड़कर कोई भी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही है। बहुमत के लिए 273 सीटों की आवश्यकता होती है और सपा कांग्रेस बसपा कोई भी पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ रही है। अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार कैसे बनेंगे? सभी पार्टियां सरकार को अस्थिर करने और देश को मध्यवर्ती चुनाव में झोंकना चाहती है। इसलिए आप सभी लोग मजबूत सरकार देने वाली और पूर्ण बहुमत वाली सरकार देने के लिए ही काम करें। कृपया एक बार गोपी जी कपिल काकोरी मंडल में कार्यालय उद्घाटन के लिए समय दिया। मैं माननीय मंत्री जी का काकोरी मंडल की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। भैया के द्वारा मैं आप हमारे लिए धन्यवाद। ये तो है बेटा।